करतारपुर कॉरिडोर पर नापाक हरकत करते हुए पाकिस्तान ने गुरुद्वारा करतारपुर साहिब में माथा टेकने आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए गठित कमेटी में आतंकी हाफिज सैयद के खास सहयोगी और खालिस्तान समर्थक गोपाल चावला को भी शामिल किया है। इस पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कड़ी आपत्ति जताई है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने अपनी चिंताओं को साझा किया है और विवादास्पद व्यक्ति की नियुक्ति को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि कॉरिडोर के बुनियादी ढांचे के विकास कार्य को आगे बढ़ाने के लिए भारत ने अप्रैल के मध्य में वाघा सीमा पर तकनीकी एक्सपर्ट की दूसरी बैठक प्रस्तावित है, जिससे कि पिछली बैठक के मुद्दों को सुलझाया जा सके। पाकिस्तान को ये बता दिया गया है कि उससे जवाब मिलने के बाद ही कॉरिडोर को लेकर अगली बैठक उचित समय पर हो पाएगी। सरकारी सूत्रों के अनुसार 3 दिन पहले करतारपुर पर एक 10 सदस्यीय समिति पाकिस्तान कैबिनेट द्वारा स्थापित की गई थी। समिति में कुछ विवादास्पद नाम है, जिसमें गोपाल चावला भी शामिल है। वो लश्करे तैयबा और बिशेन सिंह के साथ जुड़ा रहा है। इस मामले में भारत ने पाकिस्तान के उप उच्चायुक्त को तलब किया है और उससे स्पष्टीकरण मांगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द अर्थ न्यूज़।